और एजेंसियों वाले ये नोट करें, वो किसी और का खतरा रखें, और जिनका खतरा है उनको फिर बताएं कि तुमने आग लगाई है, हम तो बुझाने वाले हैं ना। अब लगाने वालों को कोई नहीं रोकता, और बुझाने वालों के तरले मिनते ना करो ना करो ना करो। अगर कहते हो कि ना करें तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मेरे सामने बिठाओ, मैं समझाऊं तो सही कि अदल कैसे हुआ था। आखिर हमारा हक है कि उम्मत के सबसे बड़े कायद पर सरकार के बाद जुल्म का इल्जाम लगा बरसरेआम, हमारे सीने छलनी है। ये कम है कि हमने सड़कें बंद नहीं की, ये कम है कि हमने मकान नहीं जलाए, हम तो दलील लेके आ गए हैं। तो उनके पास अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो हमारी दलील का जवाब दे ले अपने घर में बैठे, घर में नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे सामने आ जाए। खुदा की कसम इस कुरान से साबित करूंगा कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो फैसला फदक का किया था वो नबवी फैसला था। क्योंकि आग बुझाना तो जुर्म नहीं, आग लगाना जुर्म है। लगाने वालों को किसी ने रोका नहीं, आज तक उस मलूना को किसी ने पकड़ा नहीं। मैं कहता हूं इदारों को जो बार बार कहते हैं कुछ नरमी करो ना करो ना करो, ये हो रहा है वो हो रहा है मुल्क में, ये वो जो है बहुत से मैच हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो मैं कहता हूं क्यों नहीं आग लगाने वाले कमीनों को तुमने रोका। हम हलाली हैं, हम सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, हैदरी भी हैं। मुल्क पाकिस्तान हो और यहां पर उनको खुला छोड़ दिया जाए। कोई लोग कहते हैं जी नहीं जी कुछ ये करो वो करो, उनके पीछे पूरी हुकूमत है, ईरान है ना, उनके पीछे ईरान है, मेरे दिल में ईमान है और हाथ में कुरान है, तो फिर क्यों कुफर परेशान है। बिला वजह एहतजाज की काले नहीं, हाल हाल क्यों है। दलील होती तो दलील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आते, दलील है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं आते, दलील है तो एहतजाज क्यों करते हैं। सारे मुल्क में मुझे मुर्दाबाद कह रहे थे, कुछ लोगों को पता होगा तो मैं तो फिर भी जिंदा बैठा हूं, अगली सांस का तो कोई पता नहीं मगर मैं तो फिर भी जिंदा बैठा हूं। और जो जबाने मुझे गालियां देती रही मैं खुश हूं कि उन जुबानों ने गालियां दी जो मुहिब्बे सिद्दीक की नहीं थी, जो अली के कायद को गालियां देती थी वही मुझे भी दे रही थी। हजरत सिद्दीक अकबर हजरत फारूक आजम को गालियां देने वाली जुबानें अगर हमें दो तो अजब क्या। जिन हस्तियों के कदमों की हम खाक हैं, जिन्हें हया ये नहीं उन्हें भी गालियां निकालते हैं तो हमें निकालें तो क्या है, मगर हम इनकी जान छोड़ दें ये भूल में है। खुदा की कसम गालियां तो क्या गोलियों से भी नहीं छोड़ेंगे कि हम ये सब कुछ देख चुके, यहां से गोली यहां तक सिर्फ आधा इंच का फर्क था। गुजरात से जलालपुर जट्टा जाते हुए वहां एक गढ़ है इन लोगों का, तो सिर्फ फर्क ये था कि मैं गुजरात शहर में दरस दे के जलालपुर जट्टा जा रहा था, सर पे पसीना था तो पीछे मौलाना इमरान रजा साहब बैठे थे तो मैंने पीछे इस तरह सर किया कि वो साफ करें पसीना। इतनी देर थी कि गोली यहाँ से डैशबोर्ड तक लग गई, शीशा टूट गया। तो ये मुर्दाबाद हजार बार कहें, हजार बार हर गली में, हर गली में जलाली मुर्दाबाद कहें, मगर मैं सिद्दीक जिंदाबाद कहता रहूंगा। हमारा चैनल जुमे की तकरीर वाला दो चैनल इन्होंने असर तक बंद कर दिए, सिर्फ
यानी तकरीर के चंद मिनट बाद दोनों बंद कर दिए। अब चैनल बंद करने से हम तो नहीं बंद होंगे, और हमें जहां बंद करेंगे वहां भी हम बंद तोड़ेंगे। यानी जो कैदी भी हमारे साथ रहेगा वो भी मुहिब्बे अली और मुहिब्बे सिद्दीक बन के निकलेगा।